मर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आए हम अपने सेटअप पे और अपने बर्ड हाउस में और उनके लिए पैरट्स के लिए लेके आए हूँ कूलर। देखिए गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कूलर लेके आए हैं ऊपर। ये देखें, ये नया घर में बनवाया गया कूलर है। इसकी चिक्स तो देखें, ये इसकी चिक्स है। जो प्लास्टिक के कूलर था वो उसकी इतनी कूलिंग कर तो रहा नहीं रहा, इसलिए मैंने ना ये वाले चिक्स वाला कूलर बनवाया। ये देखें कूलर का साइज़ तो देखें, कितना बड़ा साइज़ है कूलर का। एक एक दो और ये तीन, ये तीन हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं, इसको हमने सेटअप करना है अंदर। हमने बर्ड हाउस में जा रहा हूँ मैं। ओ ये कहाँ से आ गई? ओए तोता खुला है भाई, तोता खुला, दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद कर लूँ यार पहले, एक तोता खुला रह गया था, अभी उड़ जाना था। वो वाला खुला, इधर आ जा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी उड़ जाना था ये। आप लोगों को पता नहीं तोता खुला हुआ है, दरवाजा खोल दिया। चल आ जाओ, अब देखिए मेरे ऊपर पैसे भी आ गए, इसके काम चेक करें। अगर मैं दरवाजा ना बंद करता इसने उड़ जाना था अभी। चल आ जाते पिंजरे में छोड़ दे। आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। चलो अब हम इसको अंदर छोड़ देते हैं, आज नुकसान होने वाला था भाई। आज देखिए मेरे जो बर्ड हाउस है उसमें गंदगी देखें कितनी ज़्यादा है। आज हम इसकी सफाई करने वाले हैं। और ये हमारे शाहरुख खान साहिब, सैनी साहिब हैं। देखें सफाई शुरू कर दी है इसने, देखें कितनी गंदगी यार, ये सारा साफ करना आज। भाई भी लगे हुए हैं सफाई करने। हाँ मैंने ही हायर किया भाई इन लोगों को। कौन लगा हुआ है? एपीसी आसो भाई सफाई कर रहे हैं ना अपने ग्रे पैरेट को। यार इसको पानी नहीं डाला ये कूलर, ये देखें ये प्लास्टिक का कूलर था, इसका इतना प्रेशर नहीं है, इसलिए हमने वो वाला बाहर वाला कूलर बनवाया है। अब वो लगाया जाएगा और सफाई शुरू कर दी जाएगी। हम लोग मकाओ के पास में, काकाटू के पास, सॉरी इतनी देर हो गई मैं आया नहीं काकाटू के पास। जो तोते घंटे होते थे वो पी जाती थी, इसलिए आज इसको हमने मार ही दिया। डीएनए वाले ने आना है। चल सैनी सफाई शुरू कर दे अब। भाई देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? वो गई छिपकली, वो मार वो अंडे नहीं जाते छिपकली। हाँ एक वो लग रही है, एक यहाँ पे भी है, एक इस पिंजरे के पीछे भी है। वो देखो शिकारी ने मार दी है, एक एक इसके पीछे भी थी। किधर गई? दोस्तों हमने डीएनए वाले को बुला रहे हैं और डीएनए वाले के सारे बर्ड्स हमने, ये जो बर्ड्स हैं इस सब, हाँ अब तो आपको मालूम है कि ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट होने वाला है और डीएनए वाले को बुलाने लगे हैं। ये सारी घर की ब्रीड है, घर की ब्रीड है हमारी। हाँ सीजन आ रहा है। ये इसमें साफ दाना भी निकालना है इसको, साफ
वो कैसे निकालोगे? मशीन। अच्छा ये सारे काम में जाया जा रहा है, बस अब कारोबार के साथ तो करना पड़ता है। ये सारा दाना साफ है, बहुत गर्मी आ रही है। मतलब इनके आप जोड़े लगा दोगे? मतलब ये तो हमने बच्चे लिए थे जो अब बड़े हो गए हैं, तो कुछ बच्चे भी लिए हैं, कुछ निकले भी हैं। ये सारे मेरे घर की ब्रीड है। घर की ब्रीड है, माशाल्लाह। तो इस बार मैंने कहाँ पे है? ये वाले ये चार। हाँ जी। और ये अल्बाइनो के साथ लगाना जो बच्चे। मतलब आपने बड़ा ही सेटअप शुरू किया है ब्लू रूम की मर्किंग के लिए। क्या बात। दोस्तों हमारा डीएनए वाला आ गया है। अब ये जो पैरेट है हमारा रेड आईज, अब इसका ये डीएनए करने लगे हैं। ये देखें अब इसका ना, ये देखें अब ये पर उतारेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये पर उतारेंगे, ये पर उतार रहे हैं। अब ये इस पर रिंग भी लगाई जा रही है। हाँ, इस पर रिंग लगाएंगे और जब इसका एक एक ना पर उतार कर ना वो डीएनए के लिए ले जाएंगे, और फिर ऐसे मालूम होगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे ये भाई कर रहे हैं हमारे सामने, ये देखें वो अब नाम भी नोट करते जा रहे हैं, और आसिफ भाई भी साथ हैं। देखते हैं हम क्या करते हैं। वो देखें अब ये पेपर है, अब इसमें से ये अपने पर उतारेंगे। पर उतार कर ये एक इसका पर उतार लिया, एक पर उतारेंगे बाजू का और एक दुम का पर उतारेंगे। अब ये डीएनए के लिए चले जाएंगे। अब ये दुम का पर उतरने लगा है। ये अब डीएनए के लिए जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। ऐसे हमें आसानी होगी कौन के हम ना कि किसको हमने जोड़ों में लगाना है। अभी इसको ना हम अलग केजेस में डालते जा रहे हैं, जैसे भाई निकाल रहे हैं ऐसे अलग अलग केजेस में से निकाल कर ना सभी का डीएनए होने हैं आज। जैसे जब भाई कर रहे हैं सभी का डीएनए होने हैं। अब ये जो कर रहे हैं भाई, हाँ ये वाला भाई जान यही वाला, अब इसको हम निकालने लगे हैं। अब इस निकाल कर ना उसमें मैं डाल देता हूँ जब कढ़ाई कर, इसको मैं छोड़ दूँ अब इसके अंदर। हाँ मैंने छोड़ दिया है। अब देखो भाई, फाइनली दोस्तों हमारा सेटअप तैयार हो चुका है, सफाई बिल्कुल हो चुकी है और मैंने तरतीब से सारे पिंजरे रख दिए हैं। आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे मैंने पिंजरे रख दिए हैं। सफाई देखें, अंदर मैंने सारा साफ कर दिया, इतना ज़्यादा गंद था सारा साफ हो गया। कूलर को जो लाए थे अभी, उस कूलर को देखें अब इधर लगा दिया है, और जो पहले वाला कूलर था उसको अंदर लगा दिया है, वो देखें अंदर, ताकि इनको वेंटिलेशन का सिस्टम चलता। सफाई देखें, ये माशाल्लाह से सारी सफाई कर दी है। और ये देखें केजेस को ऊपर तरतीब से लगा दिया, ताकि ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है तो तरतीब से हम सब रख सकें। ये देखें ये भी एक पेयर है, और ये सब भी पेयर हैं, ये ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट हैं। अब जो मंथ आएगा इसमें ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें अंदर भी एक कूलर लगा दिया। अब ये तरतीब से हमने सारे केजेस ठीक से रख दिए हैं, तरतीब से सारे केजेस रख दिए हैं। अब ये वाले देखें सारी सफाई हो चुकी है। दोस्तों अभी तक डीएनए का रिजल्ट नहीं आया, जब तक डीएनए का रिजल्ट आएगा फिर हम अपने पिंजरों को जोड़ों को लगा देंगे। ये देखें केजेस सब, इन सब में हम बर्ड लगाएंगे, जो जो हैं सब लव बर्ड को जोड़ों में लगा देंगे। और जैसे आप मेरे साथ रहना, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शुक्रिया।